हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ AKG। भाई साहब, आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले लेट मी एड्रेस अ क्विक थिंग। यार पिछली वीडियो में लोग ये कह रहे थे कि भाई मेसी रोनाल्डो की हेट मत फैलाओ, ऐसा वैसा ये वो, तू कौन होता है बे रोनाल्डो के बारे में कुछ कहने वाला। सबसे पहली बात आप मेरी पुरानी वीडियोस उठा के देख लो, मेरे पुराने लाइव सेशंस उठा के देख लो, हर जगह मैंने ये चीज़ कही है कि रोनाल्डो इज़ अ लेजेंड। मैं कभी रोनाल्डो को बुरा नहीं कहता हूँ, रोनाल्डो को ये नहीं कहता हूँ कि वो ऐसा है वो वैसा है। आई डोंट हेट रोनाल्डो, आई रिस्पेक्ट हिम अ लॉट, ही इज़ अ लेजेंड ऑफ कोर्स, बट मेरी नज़रों में मेसी इज़ बेटर देन रोनाल्डो बाय अ स्मॉल मार्जिन, दैट्स इट। इससे ज़्यादा मैंने कभी कुछ नहीं कहा है रोनाल्डो के बारे में। ऑलवेज आई हैव सेड दैट आई रिस्पेक्ट रोनाल्डो, ही इज़ अ लेजेंड ऑफ कोर्स, रोनाल्डो बहुत अच्छा प्लेयर है। मैंने कभी हेट नहीं किया है रोनाल्डो को और ना मैं करूँगा। एज अ फुटबॉल फैन आई अप्रिशिएट बोथ दी लेजेंड्स, मेसी एंड रोनाल्डो। बट पिछली वीडियो में आई वॉज नॉट हेटिंग रोनाल्डो, आई वॉज स्क्रीमिंग, आई वॉज स्ट्राइकिंग ऑन दी टॉक्सिक रोनाल्डो फैंस, जो इतनी ख़राब मैच के बाद भी दे वर कंटिन्यूसली प्रेसिंग हिम एंड दे वर कंपेयरिंग द मैच, द ड्रॉ मैच विथ द अर्जेंटीना वर्सेज फ्रांस विथ टोकिन वर्ल्ड कप 2018। तो आप उस मैच को इस मैच से कंपेयर कर रहे हो और कह रहे हो कि रोनाल्डो जो है वो एटलीस्ट ड्रॉ करवा लिया, मैसी तो हार गया था। तो मैं उस चीज़ को कंपेयर कर रहा था कि तुम टॉक्सिक फैंस जो हो, तुम चूती हो। आई वॉज नॉट सेइंग कि रोनाल्डो चूतिया, आई वॉज सेइंग कि टॉक्सिक फैंस चूतिए हैं। अगर रोनाल्डो ने बुरी परफॉर्मेंस दी है तो रोनाल्डो का चाटना बंद करो, दिस इज़ वॉट आई सेड। अब आप मेरे शब्दों का इंटरप्रिटेशन गलत तरीके से लेंगे तो मैं ज़िम्मेदार नहीं हूँ भाई। आई डोंट वॉन्ट एनी हेट ऑन दिस चैनल। बहुत बहुत अच्छी चीज़ों को मैं संभाल के रखना चाहता हूँ इस चैनल में, तो प्लीज़ हेट ना फैलाएं, कमेंट सेक्शन में आके गुना करें प्लीज़। एनीवेज गाइस, बात करते हैं अर्जेंटीना वर्सेस बोलाविया की। तो यहाँ पे सीन ये था कि 2-1 अर्जेंटीना निकाल के लाती है मैच को, बट स्टिल पीपल वेर नॉट क्वाइट इम्प्रेस्ड बाय द मैच। लोग कह रहे थे कि अर्जेंटीना वॉज नॉट प्लेइंग विद द स्ट्राइड विच दे शुड प्ले। लोग कह रहे थे कि उतना मज़ा नहीं आया गेम देखने में, इट वॉज बोरिंग। ठीक है, लेट मी क्विकली एड्रेस दिस। सबसे पहली बात, जो मैच हो रहा था वो बोलेविया के कैपिटल सिटी में हो रहा था और वो है 12,100 फीट ऊपर अबव द सी लेवल। मतलब फॉर अ कॉन्टेक्स्ट में ये तुमको बता दूं कि सियाचिन ग्लेशियर, सुने हो ना, बस उस हाइट में लगभग मैच चल रहा था। अब उतने हाई एल्टीट्यूड में जनरली भाई नॉर्मल लोग को ही ऑक्सीजन डिप्लीशन होता है, एल्टीट्यूड सिकनेस होता है। ये तो मैच खेल रहे हैं, 90 मिनट दौड़ रहे हैं पिच में, तो ऑफकोर्स वहाँ पर सफ़र जो है वो करते हैं प्लेयर्स। इवन फीफा ने बैन कर दिया था यहाँ पे क्वालिफायर्स को रखना, क्योंकि प्लेयर्स सफ़र करते थे। जब ब्राज़ील का मैच हुआ था बोलिविया के खिलाफ 2018 के क्वालिफायर्स में, तब नेमार ने स्टेट किया था कि ये इनह्यूमन बिहेवियर है इस स्टेडियम में मैच खिलवाना, और हर उस मैच के बाद ब्राज़ील के हर एक प्लेयर को ऑक्सीजन मिला था। बहुत कठिन जगह पे अगर अर्जेंटीना 1-0 होने के बाद मैच 2 से जीतती है, देन इट इज़ अ वेरी गुड रिजल्ट। यस देयर वेर सम थिंग्स विच आई नीड टू डिस्कस, विच आई वॉन्ट टू डिस्कस। सबसे पहली बात, अर्जेंटीना बहुत एक स्टेप बैक में खेल रही थी कि यार हम लोग पोजिशन बना के रखते हैं, बॉल को हम खोने नहीं देंगे, हम जबरदस्ती अटैक नहीं करेंगे, हम प्रेस नहीं करेंगे, वी विल सिट इन आर बॉक्सेस, अगर हमको बॉल मिलती है वी विल स्ट्राइक देम ऑन अ काउंटर अटैक। और यही चीज़ अर्जेंटीना कर रही थी। अर्जेंटीना बहुत ज़्यादा स्लो थी, दे वर नॉट गेटिंग टू दी बॉल जस्ट बिकॉज ऑफ दैट अल्टीट्यूड। हाँ भाई सही बात है, फालतू एनर्जी वेस्ट नहीं करनी, फालतू ऑक्सीजन डिप्लीट नहीं करना है अपना प्लेयर्स को, अपने प्लेयर्स की, तो भाई यहाँ पे पीछे बैठो, आराम से जो बॉल मिलेगी तब हम काउंटर अटैक जो है वो करेंगे। सो वही चीज़ हुई, पहला गोल बोलिविया का पड़ा, ब्यूटीफुल हेडर बाय मार्टिनेज। और यहाँ पे क्वेश्चन आता है अरमानी के ऊपर, क्या अरमानी को खिलाना चाहिए? क्योंकि मेरे ख्याल से लियोनेल को मार्टिनेज को खिलाना चाहिए। अरमानी इज नॉट सच अ ग्रेट गोलकीपर, मार्टिनेज इज द वन हु कैन सेव अर्जेंटीना सेस, मेरे हिसाब से। तो मेरे ख्याल से यार मार्टिनेज को खिलाया जाए, अरमानी को नहीं। मिस्टेक्स थे गोलकीपर के द्वारा कई बार मैच में, बट जो पहला हेडर था दैट वॉज फिनोमिनल। सेकेंड गोल वॉज स्कोर्ड बाय मार्टिनेज, हमारा मार्टिनेज, लोटारो मार्टिनेज। भाई साहब, उस बंदे का दाद देना चाहूँगा। लोग कहेंगे लगी गोल था, बट मेरे ख्याल से बंदे की जो वर्किंग स्पिरिट है ना पिच में, भले वो 12,000 ऊपर अल्टीट्यूड में हो,
भाई कातिल आना है, बंदा दौड़ रहा था, कोशिश कर रहा था, हार नहीं माना आखिरी समय तक, पैर लगाया, इसके पैर से लग के गोल में गई बॉल, 1-1 अर्जेंटीना ड्रॉ करती है। हाफ टाइम में सब प्लेयर्स थके हुए दिख रहे थे, मैंने इवन बोलिविया के कुछ प्लेयर्स को ऑक्सीजन लेते हुए देखा था पिच में। इसके बाद जब सेकेंड हाफ चालू हुआ, अर्जेंटीना वॉज नॉट ऑन देयर बैक फुट, दे वे आर ट्राइंग टू क्रिएट सम चांसेस एंड बिग पार्ट वॉज प्लेड बाय लियोनेल मेसी हु वॉज क्रिएटिंग ब्यूटिफुल पासेस, ब्यूटिफुल चांसेस। भाई साहब लियोनेल मेसी ऑन दी राइट हैंड साइड राइट फ्लैंक में आई गेस बहुत प्यारा खेलता है यार। मैंने एक वीडियो में जिसमें हम 0-0 ड्रॉ करे थे उसमें सेविला के खिलाफ, उसमें मैंने ये चीज़ कही थी कि आई डोंट थिंक सो कि मेसी फॉल्स नाइन में अब सूट कर पा रहा है। कल के मैच में हमने देखा मेसी को राइट विंग में खेलते हुए, दैट भाई साहब मज़ा आ गया देख करके यार, दैट गाय वॉज ऑन हिज प्राइम आई गेस, मेरे ख्याल से। मतलब हाँ ऑफकोर्स उसने गोल नहीं मारे, उसने असिस्ट नहीं बनाई, बट उसका गेम में इन्वॉल्वमेंट काफ़ी बेहतरीन था। द पासेज विच ही क्रिएटेड वो फिनोमिनल, जो सेकेंड गोल हुआ था इट वॉज क्रिएटेड बाई लियोनेल मेसी, ब्यूटिफुल पास टू मार्टिनेस, मार्टिनेस ने दिमाग लगाया, कोरिया को दिया, कोरिया ने फिर शॉट मारा, ब्यूटिफुल शॉट, ब्यूटिफुल फिनिश, 2-1 अर्जेंटीना लीड करती है। उसके बाद हम अपने हाफ में चुपचाप बैठ के बॉल को बचा रहे थे गोल पड़ने से। सो यस, डिफेंस स्ट्रॉन्ग है, ठीक ठाक खेले हम, इट इज़ अ रियली हार्ड मैच टू प्ले इन देयर होम टाउन। ऑल दो बोलिविया को ब्राज़ील ने थ्रैश किया था 5-0, बट हम कह रहे हैं कि हार्ड मैच था जस्ट बिकॉज ऑफ द पिच इन विच दे वर प्लेइंग। वहाँ पे बोलिविया 18 मैचेस जीती है अपने पिछले मैचेस से, तो भाई बोलिविया का रिकॉर्ड वहाँ पे बहुत अच्छा है क्योंकि वो लोग यूज टू है उस एल्टीट्यूड के, बट कोई भी दूसरी टीम आती है दे सफर अलॉट। बट हम अर्जेंटीना में डाउन होके, 1 गोल डाउन होने के बाद 2 गोल मार के मैच निकाल के लेके आते हैं, इट इज़ अ वेरी गुड थिंग। पैशन जो है वो लियोनेल स्कैलोनी की तरफ से दिखा, जैसी मार्टिनेस ने गोल मारा भाई मोरिनियो स्टाइल में एकदम अंदर तक घुस के हग वग कर रहे थे, तो ये सब चीज़ें हमको देखने को मिली, तो उससे समझ में आता है कि गेम बहुत ज़्यादा मीन करती थी अर्जेंटीना के लिए। साथ ही साथ अगर मैं अभी पॉइंट्स टेबल की बात करूं, ब्राज़ील और अर्जेंटीना बैठते हैं टॉप में, बट इट विल बी हार्ड फॉर ब्राज़ील इन नवंबर क्योंकि वो फेस करने वाले हैं वाली है वेनेजुएला को और उरुग्वे को, तो दोनों मैचेस काफ़ी ज़्यादा टफ होने वाले हैं। अगर मैं बात कर लूँ अर्जेंटीना की, तो अर्जेंटीना फेस करने वाली पैराग्वे को और पेरू को, जो मेरे ख्याल से क्वाइट ईजी होगा उनके लिए, बट देखने वाली बात होगी कि उस समय तक क्या अगुएरो आ जाता है पिच में, क्या हमको क्या नाम है उसका, पाटो नाम है मेरे ख्याल से, हाँ पाटो अटलांटा का, वो शायद आ जाए तो बहुत अच्छा बात हो जाएगा। तो देखने वाली बात होगी कि उस समय तक लियोनेल स्कैलोनी क्या टीम खिलाता है, बट स्टिल अभी अगर मैं टेबल की बात करूँ तो टेबल में ब्राज़ील और अर्जेंटीना अपने दोनों मैचेस को खेलते हुए टॉप में बैठ रही है। कोलंबिया 2 मैचेस खेल के 1 विन और 1 लूज के साथ सब नीचे हैं, तो और भी सारे सब नीचे हैं। उरुग्वे 1 मैच हार गई थी अभी पिछले, तो वो बात है, बट अर्जेंटीना और ब्राज़ील आर heading with a very strong start in this season. There were surprising elements in international football this week. सबसे पहला सरप्राइज आया ये देख करके कि भाई साहब यूक्रेन ने स्पेन को हरा दिया 1-0 से। अब यहाँ पे सीन ये हुआ कि स्पेन के पूरे स्ट्राइकर्स जो हैं वो अपने मेन गेम में दिखे नहीं। अंशु फाटी वॉज स्टेटेड एज सेल्फिश सेवरल टाइम्स ऑफ द मैच, जहाँ पे उसको पास करना चाहिए था बट वो बंदा गोल मारने के पीछे पड़ा हुआ था, बट उसकी इसी स्पिरिट को हम दाद देते हैं क्योंकि 17 साल का है और शॉट लेता है और वो गोल में एंड अप होता है, तो यस ही शुड पास अगर उसको कुछ ओपन चांसेस दिखती है, बट स्टिल यार डिपेंडेबल है कि क्या पास करना चाहिए था कि नहीं करना चाहिए था। तो स्पेन जो है वो 1-0 हारी है यूक्रेन से। जर्मनी और स्विट्जरलैंड जो है वो ड्रॉ कर लिए एक दूसरे से, दिस इज़ अ वेरी सरप्राइजिंग थिंग, और यहाँ पे गैनेबरी ने जो है वो बचाया जर्मनी को ऑफकोर्स, तो अब ये जर्मनी के लिए थोड़ा सा टेंशन वाली बात होगी क्योंकि दिस इज़ वॉज दी आई गेस दिस वॉज द फर्स्ट टाइम कि जर्मनी जो है वो 3 कंसीड करी है सिंस दो कंसीड किया उन्होंने 1 हाफ में, ये पहली बार हुआ है सिंस 2016 मेरे ख्याल से। पेरू ब्राज़ील में नेमार ने हैट्रिक मारा और 4-2 जो है वो पेरू को जिताया। मेरे ख्याल से भाई डाइविंग और रेड कार्ड्स ने ब्राज़ील को इस मैच को जिताया, बट स्टिल नेमार वॉज परफॉर्मिंग रियली वेल अपार्ट फ्रॉम ड्राइविंग अपार्ट फ्रॉम डाइविंग ऑल्सो हिज एंथुसियाज्म ऑन द पिच इज़ रियली अप्रिशिएटेबल। मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था कि नेमार जिस फॉर्म में अभी चल रहा है आई गेस अगर वो उस फॉर्म को कंटिन्यू करेगा तो हो सकता है 21 बैलन डॉर अपने हाथ में पकड़ के नेमार खड़ा हो। एनीवेज गाइस, तो ये था इस वीक का इंटरनेशनल ब्रेक से रिलेटेड वीडियो। यार आई रियली होप तो इंटरनेशनल ब्रेक खत्म हो जाए। साथ ही साथ क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैज टेस्टेड पॉजिटिव फॉर कोरोना वायरस, ऑल दो लोगों ने कहा है कि कोई ऐसे हेल्थ में उसके कोई सिम्टम नहीं देखने को मिला है, तो भाई
रोनाल्डो जैसे आदमी को कोरोना वायरस हो सकता है, तो हम जैसे लोगों को तो हो ही सकता है। तो प्लीज़ भाई साहब थोड़ा सा सेफ रहें, मास्क पहन के घूमें। जब तक वैक्सीन नहीं है तब तक मास्क ही जो है वो वैक्सीन है। बट इससे एक चीज़ ये कंक्लूजन ड्रॉ होता है यार, मेरे ख्याल से ये कोरोना वायरस के समय में ना इंटरनेशनल ब्रेक होना ही नहीं चाहिए था। बिकॉज यार सब प्लेयर्स बाहर घूमने जा रहे हैं, बाहर बाहर मैच खेलने जा रहे हैं, अलग अलग लोगों से मिल रहे हैं, खतरा तो है यार। अब देखो एनीवेज वी प्रे फॉर रोनाल्डो कि भाई जल्दी ठीक हो जाए। ऑल्सो रोनाल्डो इतना हेल्दी आदमी है कि कोरोना वायरस की गांठ पड़ गई होगी उसके अंदर घुस के, तो अब देखने वाली बात है कि कितने जल्दी रोनाल्डो वापस आ पाता है। क्योंकि 15 दिन में बार्सिलोना वर्सेस यूवेंटस है, तो हम उसमें रोनाल्डो को तो देखना चाहते ही हैं। तो अब देखो रियली प्रे कि रोनाल्डो जो है वो वापस आ जाए, मेसी वर्सेस रोनाल्डो फर्स्ट लैग हमको देखने को मिले। एनीवेज गाइस यही थी मेरी वीडियो अर्जेंटीना वर्सेस बुलाविया, साथ ही साथ बाकी सब इंटरनेशनल मैचेस में। कैसी लगी वीडियो में वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, साथ ही साथ अपने व्यूज को भी डालना मत भूलना कमेंट सेक्शन में। टेक्निकल गुरुजी की स्टाइल में मैं वीडियो खत्म करने जाऊँ। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। प्लीज स्टे कनेक्टेड, बी पॉजिटिव, स्टे सेफ, बाय। C, D, E.